हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम एपिसोड 3 में बात करेंगे कि इंटरव्यू में तीन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, प्री इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड द पोस्ट इंटरव्यू। ये तीन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि प्री इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो समझ लीजिए आपने 50% इंटरव्यू की तैयारी कर ली। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप सही तरीके के कपड़े पहनेंगे, जिसको हम फॉर्मल ड्रेसिंग कहेंगे, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट नीड होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाएंगे तो वो फॉर्मल ड्रेसिंग मांगते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट मेल्स दैट आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। आपकी शर्ट अगर लाइट है तो पैंट डार्क होनी चाहिए, अगर आपकी शर्ट डार्क है तो पैंट्स लाइट होनी चाहिए, और बेल्ट का कलर शूज़ के कलर से मैच होना चाहिए, प्रॉपर ट्रिम्ड हेयर होने चाहिए। अगर आप शेव नहीं करते तो प्रॉपरली उसको मैनेज करें, ट्रिम सही तरीके से कराएं। अगर आप शेव नहीं रखते तो क्लीन शेव होकर जाइए, ये ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन देता है। उसके बाद लर्न टू वार्म स्माइल, के कहाँ पर स्माइल देनी चाहिए, स्माइल किस तरह से पास करते हैं, इन टेक्निक्स को आपको सीखना चाहिए। दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, और जहाँ पर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं उन्हें आप कहिए कि कैसे किस तरह स्माइल पास की जाती है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट टू पास स्माइल। व्हेन द इंटरव्यूअर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाइल रिप्लाइंग योर आंसर्स, यू नीड टू नो वेयर टू स्माइल और वेयर नॉट टू स्माइल, एंड देन फील कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता इंटरव्यू में, आपका कॉन्फिडेंस आपकी ड्रेसिंग से भी आता है। जब आप अपनी बात करना स्टार्ट करते हैं और आप पहला वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये कितना कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंट का मतलब ये हरगिज़ नहीं आप कितना ऊंचा बोलते हैं और कितने महंगे आपने कपड़े पहने हैं। कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये हाउ यू कैरी योरसेल्फ इन द इंटरव्यू। और इंटरव्यूअर जब आपसे सवाल करता है, आपका जवाब देने का अंदाज, आपका तरीका, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्फिडेंस में काउंट होती है। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, जितना आपका रिहर्सल अच्छा होगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, कंपनी को आपने कितना रीड किया है, उसके बारे में कितना जाना है, ये सब चीज़ें जमा होकर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट फर्म हैंडशेक। आप फर्म हैंडशेक करने का मतलब ये है कि आपका हाथ बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए, आपका हाथ स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। यू नीड टू गिव अ फर्म हैंडशेक टू द इंटरव्यूअर, ताकि उसको ये फील हो कि दैट यू आर इनफ कॉन्फिडेंट। ठीक है, इन द केस ऑफ द फीमेल समथिंग इज डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स। ओके, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो यू नीड टू वियर जैकेट। जैकेट शुड बी द वेरी वेरी सिंपल, कोई शाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पार्टी वेयर करके जा रहे हैं। आप मेरी इस पिक्चर्स में जो आपके सामने अभी शो हो रही हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उसको फॉलो करें, तो मैं समझता हूँ इट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। नाउ वी टॉक अबाउट ए प्री इंटरव्यू प्रेपरेशंस। इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, डू रिहर्सल, प्रैक्टिस द क्वेश्चन विद द फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो के नीचे 50 सवाल में से 4-5 सवाल मैंने लिख डाले हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब ये आखिरी 10th एपिसोड होगा तो उसमें सारे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ वो आपको मटेरियल भी दे दूंगा। डू प्रैक्टिस बाय वॉचिंग वीडियोज ऑन YouTube। बहुत सारी वीडियोज आपको YouTube पे मिल जाएंगी, उनको देखिए कि एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू से क्या सवाल करता है और इंटरव्यू ही कैसे जवाब देता है, इंटरव्यू के कौन से मेजर क्वेश्चंस होते हैं, क्या इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन तैयार करके आता है, नहीं, वो आपके दिए हुए जवाब में से ही क्वेश्चंस बनाता है। तो जो आपने रेज्यूमे के अंदर लिखा है उसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और उसको प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि आपके ओवर एक्सेजरेट नहीं करना और अंडर एस्टिमेट भी आपको नहीं करना, टू द पॉइंट रहना है, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। एंड द रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन इज द ओनली की टू सक्सीड इन द इंटरव्यू। द फोर्थ पॉइंट, रीड आर्टिकल्स, रिलेटेड बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक के लिए अप्लाई किया है तो बैंक के थोड़े बहुत जो रिसेंट आर्टिकल्स हैं और रिलेटेड उसकी बुक्स हैं उनको भी थोड़ा रिव्यू करना है। अगर FMCG में अप्लाई करना है तो FMCG में आजकल क्या हो रहा है। अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए अप्लाई करना है, यू नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। अगर आप थोड़ा बहुत इसको अपडेट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यूअर को एक अच्छा इंप्रेशन होगा, द कैंडिडेट टू हुम आई इंटरव्यू ही इज वेरी अपडेटेड विद ऑल द थिंग्स। देन यू शुड नो अबाउट द कंपनी। उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसके किसी भी काम करने वाले बंदे से मिलिए, पूछिए कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी की प्रोडक्ट कौन सी है, कंपनी कितने शहरों में, कितने मुल्कों में रन होती है, और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का निज़ाम कैसे चलता है, हायरार्की बेस्ड है या सेट या ऑर्गेनाइजेशन है। यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, क्योंकि सवाल मुश्किल नहीं होते, बस आपकी रिहर्सल और आपकी रिसर्च की वहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहा होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्री इंटरव्यू प्रेपरेशंस। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इट,
टेक योर क्रेडेंशियल्स ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट्स. आप प्री इंटरव्यू से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रेप देख लीजिए कि मैं मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं. वो डुप्लीकेट भी होने चाहिए, ओरिजिनल भी होने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इंटरव्यू आस्क. और एक कॉपी नहीं लेके जाएंगे, 3-4 सेट लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है. पैनल इंटरव्यू में एक से ज्यादा लोग बैठते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप एक ही सेट लेकर गए और एक ही बंदे को आपने दिया, इट लुक्स सम वियर्ड. तो आपको ये करना चाहिए कि नंबर ऑफ सेट्स लेकर जाएं, एटलीस्ट 5 or 6, ताकि बाकियों को भी इंटरटेन कर सके. बाय चांस अगर एक ही इंटरव्यू है तो कोई बात नहीं, आगे आपको काम आ सकते हैं. सो नंबर 2, टेक 5-10 रेज्यूमे, 5-6 रेज्यूमे आप डुप्लीकेट लेकर जाएं, बिकॉज इट कुड बी अ पैनल इंटरव्यू अगेन. नो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगानी. ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा बड़ा सेंसिटिव बैठा हो, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो. सो यूज नॉर्मल फ्रेग्रेंस, ताकि आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी बेहतर लगे. लर्न सम ग्रीटिंग्स, आप ग्रीटिंग करने का तरीका थोड़ा सीखिए, जैसे कि हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलामु अलैकुम. यू हैव टू लर्न द नॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रीटिंग्स, ताकि सामने वाले को अच्छा फील हो कि बंदा ग्रीट करना भी अच्छे तरीके से जानता है. सो कुछ पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, उसमें पिक्चर नंबर 1, ठीक है, इसको देखिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन चारों पिक्चर्स में देखिए कि आप मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन सी पिक्चर अच्छी होगी जो इंटरव्यू के लिए बेहतर है. तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर 1 or 2 होगा, 3 and 4 नहीं होगा, बिकॉज 3 and 4 आर कैजुअल और सेमी फॉर्मल, यू कैन से लाइक दिस. सो आप उसकी द फर्स्ट पिक्चर में उसकी जैकेट देखिए, पैंट्स देखिए, और बेल्ट और शूज का कलर देखिए, द टाई इट्स ऑल्सो अ वेरी अट्रैक्टिव एंड मैचिंग एज वेल. तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं. आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं होगा कि इंटरव्यू क्या क्या चीज़ें देखता है, लेकिन इन पिक्चर्स के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द इंटरव्यू. सो इफ यू टॉक अबाउट माय रिकमेंडेशंस, द कोच रिकमेंडेशंस ऑन द स्क्रीन इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आई थिंक दीज आर अमेजिंग पिक्चर्स. इफ यू वांट टू बाय सम टू पीस और सम जैकेट एंड पैंट्स, आई थिंक यू नीड टू नो द कलर्स इज एग्जैक्टली व्हाट आर द ट्रेंडी कलर्स इन द मार्केट इज ऑल्सो. आई थिंक 3 आर द बेस्ट कलर्स, यू कैन बाय एनी ऑफ देम. यू गो इनटू द सदर मार्केट, Clifton Market and Tarik Road Market, you will amazingly found out the things. So during the interview, ये picture आप देख रहे होंगे कि जो blue shirt lady है वो interview conduct कर रही है, और जो सामने वाला बंदा जो black jacket और blue shirt और tie के साथ बैठा हुआ interview दे रहा है. See how he passing the smile, see his confidence, see his gesture, how he looks. आपको लगता है कि ये nervous हो गया, आपको लगता है कि ये परेशान हो रहा, नहीं, look at the movements of the hands. He is very confident because he has rehearsed, he has learned what is going to be in the interview, he learned what the question, he learned about the most frequently asked questions, and he knows the organization culture. If you know everything about the organization, you will be like this man. So now we talk about effective communication, the portion 1 and portion 2. Pehle portion mein aap dekh rahe honge, respond in the language of interviewer. Interviewer sometime tries ki aap kis tarah ki zuban baat kare. Interviewer urdu mein sawal kar raha hai, aap urdu mein jawab dijiye. Interviewer agar english mein baat kar raha hai, you need to give the answers in english language as well. Agar aap interviewer aapka sindhi mein question kar raha hai, aapko sindhi nahi aati, कोई बात नहीं, आप उर्दू में बरकरार रहिए और आपसे पूछे, सर मुझे शायद ये रीजनल लैंग्वेज नहीं आती और मुझे इसका आंसर दिया. अगर आपको सिंधी आती है और आपका इंटरव्यूअर सिंधी में सवाल कर रहा है, स्टार्ट इन स्पीकिंग इन सिंधी, बिकॉज लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट सम टाइम इन इंटरव्यू एज वेल. सो नंबर 2, यूज नेचुरल एक्सेंट. आप थोड़ा, आजकल आपने लोगों ने देखा होगा एक्सेंट की मार मारने के लिए वो अपनी अपनी जबान भूल जाते हैं, इवन अपना कैलिबर भूल जाते हैं. सो यू नॉट टू बी ट्राइंग लाइक एन अमेरिकन एंड ब्रिटिश, इस तरह से बात नहीं करनी. बड़ा कूल होकर काम होकर बात करें, जिस तरह के आपको वर्ड्स आते हैं और जिस तरह की लैंग्वेज आपकी लोकली बोली जाती है, उस तरह से बात करना है. हाई, दिस इज रंजीत एंड आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू इंटरव्यू. सर, आई हैव वर्क्ड इन मल्टीनेशनल कंपनी एंड आई वांट टू टॉक अबाउट लाइक दिस. वेरी सिंपल, वेरी कूल एंड काम. डोंट चेंज योर एक्सेंट, प्लीज यूज योर नॉर्मल एंड नेचुरल एक्सेंट्स. नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टॉक प्रिसाइज टू द पॉइंट. कोई लंबी नहीं करनी, जिसको कहते हैं ना यार उसने लंबी करके सुला दिया, वो वाला डायलॉग, और कच्चे में उतार दिया, मतलब इतनी बात करनी है कि आपकी जो टू द पॉइंट वाली सीन है वो खत्म हो गया. इंटरव्यूअर आपसे लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनना चाहता, ही वॉन्ट्स टू लिसन. वॉट इज द की एलिमेंट, वॉट इज द की इन्ग्रीडियंट that you are going to add in my organization and uplift the performance of the teammates, the performance of your boss as well.
पोर्शन टू में आप देख रहे होंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, द आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, पोस्चर, द फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंस. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो. उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. द फर्स्ट पोर्शन को हम कहते हैं योर वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूज अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट. आप इसमें देख रहे होंगे मेरी इसकी स्क्रीन के अंदर 55% बॉडी मूवमेंट, फेस एंड आर्म्स, ये 55% आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. इट मींस यू से नथिंग बट यू से एवरीथिंग. आप कुछ कह तो नहीं लेकिन फिर बहुत कुछ कह जाते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कभी कभी आपके अल्फाज मायना नहीं रखते, आपका लहजा और आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है. उसके बाद 7% आपके सारे वर्ड्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कुछ बात कर रहे होते हैं. सो इट्स द वर्थ ऑफ द वर्ड्स इज ओनली 7%. योर वॉइस, योर टोन, योर मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस, योर पॉजेस, इट इज इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टिल 38%. आइए मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक समझा देता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज में कहना क्या चाहता हूँ. एक आपका फॉर एग्जाम्पल मैं जुमला लिखता हूँ कि क्या बात है. मैं बहुत सारे सेमिनार्स में लिखता रहता हूँ कि इसको आप मुझे प्रोनाउंस करके दिखाइए, क्या बात है. ठीक है, इट्स उर्दू सेंटेंस और आप इसे नॉर्मली पढ़ भी सकते हैं ये लिखा क्या हुआ है. अगर मैं आपसे कहूँ इसको डिफरेंट तरीकों से बताइए, आप डिफरेंट तरीके आप इस पर अप्लाई करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात का मतलब ही चेंज हो जाएगा. कोई सामने अगर मेरे साथ शख्स हो, उसे मैं कहूँ क्या बात है, तो वो समझेगा यार मुझसे कोई सवाल कर रहा है. नंबर टू, उसे अप्लाई करूँ क्या बात है, दिस इज एंगर. जुमला वही है लेकिन मेरा लहजा बदल गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एंगर में. और अगर मेरे साथ आप मेरी YouTube वीडियो में आप देख रहे हैं कि रजा वकास भी आजकल आ रहे हैं, तो रजा वकास मेरे सामने बैठा हो और रजा वकास को बोलूँ आज तो तुम बड़े यार हीरो हो गए हो, सॉन्ग्स वॉन्ग अच्छे आ रहे हैं तुम्हारे, तो मैंने तुम्हें देखा था वहाँ पर सदन में, तुम हमारे साथ जो भी थी, और मैंने उसका रजा वकास को इशारा नहीं किया, उसको दूर से खड़े होकर मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है. तो मतलब तो समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ. पहले में मेरा सवाल था, दूसरे में गुस्सा था, तीसरे में वकास साहब किसी खूबसूरत लड़की के साथ थे. तो दिस इज द वे हाउ वर्ड चेंजेस द मीनिंग. सो जब आप अपना लहजा और बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका मतलब चेंज हो जाएगा. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिसनिंग. सबसे पहले लिसनिंग और हियरिंग का मतलब समझाना चाहूंगा. हियरिंग ऐसी चीज है जिसको आप सुनते हैं, दिमाग प्रोसेस नहीं करता. आपसे दोबारा कोई पूछेगा आपने सुना क्या, यू नेवर नो व्हाट यू लिसन्ड. तो हियरिंग इज व्हाट द साउंड गोज इनटू द ईयर बट यू डोंट प्रोसेस टू द ब्रेन. इट मीन्स डिडंट रिटेन एनीथिंग. आपने कुछ नहीं समझा, वो हियरिंग है आपकी. लिसनिंग क्या है? लिसनिंग का मतलब है आपके कानों में वो बात गई, आपने उसको समझा, गौर किया, दिमाग में उसको प्रोसेस किया, दैट बिकम अ लिसनिंग. सो लिसनिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन इंटरव्यू इन योर होल लाइफ. सो आइए हम लिसनिंग को थोड़ा ब्रेक करते हैं. लिसनिंग इज बेसिकली अ निमोनिक ऑफ 6 letters. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल 6 letters इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू मे सी ऑन द स्क्रीन एज वेल. L stands for look interested and get interested. You look a bit excited, but not too much excited that you want a job like this. Interest ka matlab ye ki aapki personality, baat karne ka tarika, baithne ka tarika. You look interested, you get interested to get the job. वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका प्री इंटरव्यू के जो सारे फैक्टर्स हैं आप उसको अप्लाई करेंगे. नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट आई, यू नो, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन रिस्पॉन्डिंग. आप ऐसे फोकस से उस सामने वाले बंदे को सुनना है कि बस आपने दुनिया की सारी चीजें सेट असाइड कर लिया. उस शख्स को, इंटरव्यूअर को सुनना है. वॉट एवर ही स्पीक्स यू रिस्पॉन्ड. नहीं समझ में आया सर, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट गेट यू, कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन फॉर मी बिकॉज आई डिडंट गेट यू. अगर आपने ये नहीं किया इसका मतलब आप सुन नहीं रहे थे. जो बंदा सुनता है वही तो सवाल करता है. सो यू नीड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन इंटरव्यू प्रोसेस एज वेल. सो नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, stay on the target. What is your target? If for example you applied for the sales job, you need to stay on the sales job. If you have applied for the senior position, you need to be focused on the senior position. Agar aapko keh de sir yahan to senior ki jagah khali nahi hai, aap jo hai wo TSO ban jayenge, no, you have to stand on what, stay on the target why you have applied for here for the job. Uske baad the fourth letter, which is very strong and very powerful in my views, that is called test your understanding. Please test your understanding. What kind of question he is asking, what answer are you giving. Jo bhi aapka jawab ho uske saath
एक्सपीरियंस जरूर ऐड करें, जो भी आपका जवाब हो सिनारियो उसके साथ जरूर ऐड करें, क्योंकि कहानियां बहुत होती हैं लेकिन तजर्बा बड़ी मुश्किल से मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। इट्स अ प्राइसलेस। प्लीज व्हेनेवर समबडी आस्किंग क्वेश्चन इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इन द इंटरव्यू। नाउ दैट इज ई स्टैंड्स फॉर इवेल्युएट द मैसेज। आप उस साथ साथ इवेल्युएट करें जो मैं कह रहा हूं वाकई यहां पर वो बात बनती थी भी या नहीं, जो मैं कह रहा हूं यहां पर लॉजिकल था कि नहीं था, घर जाके आपको ज्यादा समझ आएगा। बट बी अटेंटिव एट द इंटरव्यू एंड कीप इवेल्युएटिंग योर मैसेजेस। द लास्ट एंड दैट न्यूट्रलाइज द फीलिंग। ओके, जॉब मिलती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, कोई मैंने गलती की होगी, न्यूट्रलाइज द फीलिंग। और एक आपको मजे की बात बताऊं, अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इस बंदे को पता नहीं है कि आपको वो हायर ना करके कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। यू आर अ डायमंड, इट मींस यू डिजर्व सम बेटर जॉब्स, नॉट दिस वन। मजाक कर रहा हूं, आप इसको दिल पे नहीं लीजिएगा। ऑलवेज बी न्यूट्रलाइज व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं एपिसोड 3 आपको बहुत पसंद आया होगा, एपिसोड 4 के लिए भी तैयारी हो रही है, सो इट विल बी ऑन द स्क्रीन विद इन दिस वीक। थैंक यू।